गुड इवनिंग दोस्तों, आज हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, पेशेंट स्पेशली कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। गायनेकोमास्टिया सर्जरी हो चुकी है, आज सुबह आए थे और आज वो अभी वापस जाएंगे। उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्यों उन्होंने कोलकाता, दिल्ली या और कोई स्टेट नहीं चूज किया और स्पेशली अहमदाबाद जीरो स्टार टेक्निक के लिए है। सर, क्या आपको तकलीफ थी, क्या एक्सपीरियंस था और क्यों आपने इतना ट्रैवल किया? मेरे को तो गायनेकोमास्टिया था मेन बात है, और आपको भी आपका वीडियो भी बहुत देखा हूँ। बहुत दिन से मैं सर से मिलने का कोशिश कर रहा था, सर को मैं मैसेज भी किया था तो तुरंत ही रिप्लाई आया था एकदम बढ़िया तरीके से। उनका टीम भी एकदम बढ़िया से मेरे को पूरा मैनेज किया इधर तक पहुँचने से लेके अभी मैं जा रहा हूँ। आज ही आज सुबह आया था, आज ही ऑपरेशन पूरा हो गया एकदम। आज मैं तो फिट फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही मैं चला जाऊँगा, अभी निकलूँगा। वो टिकट बुक करने से पूरा हेल्प मेरे को सर का टीम ने करवाया। थैंक यू सो मच। बाकी तो गायनेकोमास्टिया में क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ तो ऐसा कुछ ये दर्द देने वाला चीज़ है नहीं, लेकिन ये दर्द दिमाग में होता है, किसी के सामने शर्ट उतरने में, टाइट टी शर्ट पहनने में, ये सब में थोड़ा तकलीफ होता है। बाकी तो ये दर्द देने वाला चीज़ है नहीं। तो यही चीज मैं लोगों को बताता हूँ कि पेशेंट को सब चीज मालूम है कि ये दर्द वाली चीज नहीं है, ये दिमाग में दर्द देता है। बहुत बढ़िया सेंटेंस आपने बोला है कि ये चीज दिमाग में दर्द देता है और अच्छा नहीं लगता है। तो पेशेंट स्पेशली, आप स्पेशली क्यों कोलकाता से गुजरात चूज, अहमदाबाद चूज किया? मेन बात है वो जीरो कट टेक्निक, वो सबसे सर का बढ़िया लगा। दूसरा जगह में तो मैं बहुत सर्च किया हूँ यूट्यूब में, लेकिन मिला नहीं इतना अच्छा से रिजल्ट। मैं बहुत दिन से सर को फॉलो कर रहा हूँ, बाद में लास्ट 1 महीना से सर से कांटेक्ट हुआ था, तो बाद में आज का डिसीजन लिया आने का, तो आज मेरा टोटली पूरा कंप्लीट हो गया सब कुछ। तो जीरो स्कार टेक्निक के लिए पेशेंट हमारे पास इतने दूर से आए हैं, 40 मिनट्स में प्रोसीजर ओवर है, 4 घंटे में आदमी घर जाता है, कोई फॉलो अप नहीं, कोई ड्रेसिंग नहीं, कोई पट्टी नहीं करनी है, कोई टाके नहीं तोड़ने, कोई ड्रेन नहीं रखना है। और इंडिया में अभी सबसे ज्यादा 4,000+ सर्जरी कर चुके हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे पास आते हैं। आपका आपको क्या मानना है, ट्रैवलिंग करना चाहिए या ऐसे ही करा देना चाहिए कहीं पे? नहीं, कैसे भाई, ट्रैवलिंग भले ना हो भले, मैं तो कम से कम इधर से 2200-2300 किलोमीटर होगा मेरा घर, तो भी मैं इधर आया क्योंकि रिजल्ट जो है वो बेस्ट मिलेगा। और आप लोग भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सर का टीम भी बहुत अच्छा तरह से काम करता है, आपको पूरा फुल सपोर्ट करेगा। पैसे नहीं होते कई बार लोगों के पास और बोलते हैं कहीं पे सस्ते में करा देते, तो आपका क्या मानना है? हम भी यहाँ पे हो सके उतने कम पैसे में ट्राई करते हैं पर हमारा भी एक कॉस्ट लगता है, तो आपका पैसों के बारे में क्या मानना है? पैसे के बारे में तो पैसा जो लिया है रिजनेबल प्राइस है, वो कुछ बहुत हाई फाई प्राइस नहीं है, लेकिन ये जो काम सर कर रहा है ये मनी कोई इसका प्राइस नहीं है, ये प्राइस लेस काम है, इसका कोई प्राइस हम लोग दे ही नहीं सकते। ये जो है इनका सिर्फ मेंटेनेंस ही हम लोग दे रहे हैं। ये जो काम कर रहा है सर, ये मतलब ये बहुत ऊंचा काम है, ये इंसान का काम नहीं है, तो भी सर कर रहे है। ये जो गिल्टी फील होता है ना, वो आदमी को सबसे बड़ी चीज़ है, ये दिमाग में अटकता है। बहुत बार ऐसा होता है कुछ काम करने जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत इसके लिए कम हो जाता है। कई बार कम हुआ है, मेरा भी, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ ही हुआ होगा, जिसका भी ये प्रॉब्लम है वो समझता है। बाकी तो ये प्राइसलेस है, इस काम का कोई पैसा हम लोग पे नहीं कर सकते। तो ये चीज प्राइसलेस है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिल में लगता है ये चीज गायनेकोमास्टिया। यही पेशेंट की एक इमोशन होता है, पर ट्रैवलिंग को कंसिडर मत करो, बेस्ट होता है वहां पे कराओ, प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ और कुछ भी तकलीफ है तो हमारी टीम आपको डेफिनेटली गाइड करेगी, जेन्यून तरीके से गाइड करेगी और आपकी तकलीफ भी दूर करने का ट्राई करेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।